नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य केसी पांडे आपका एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साल के छठे महीने यानी जून माह की और जानेंगे कि जून का महीना राशि चक्र की 12 राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है, क्या उपाय करके हम अपने 30 दिनों को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस महीने कौन कौन से तीज त्यौहार आपको मिलेंगे, किस ग्रह गोचर या ग्रहण का आपके जीवन पर कैसा असर रहेगा। इसके अलावा जून के महीने में कौन कौन से विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त और वाहन खरीदने के मुहूर्त बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशिफल के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से अच्छा होते हुए भी बड़ी सावधानी वाला होगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण आपको अपने पार्टनर से प्रेम तो रहेगा, किंतु 2 जून को मंगल के गोचर के कारण प्रेम संबंधों में तनाव या विवाद पैदा होने की संभावना भी है। मंगल के प्रभाव से जो जातक बच जाएंगे उनके रिलेशनशिप अच्छे ढंग से चलते रहेंगे, किंतु जो जातक मंगल के दुष्प्रभाव से नहीं बच पाएंगे उनके रिलेशनशिप में निश्चित रूप से कुछ असामान्य स्थितियां पैदा हो जाएंगी। मिथुन राशि के जातकों को जून माह में विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से जून का महीना अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होकर यह संकेत दे रहे हैं कि इस महीने में मिथुन राशि के जातकों के ट्रांसफर व प्रमोशन भी संभव हैं। इस राशि के जातक जून के महीने में उन्नति के साथ साथ यात्राएं भी करेंगे और इस माह में आपके करियर में कोई नई चीज भी जुड़ सकती है। कुल मिलाकर स्वरोजगार, व्यवसाय या कैरियर के लिए जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। इस माह में महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी दिखाई देते हैं। मिथुन राशि के जातक जून के महीने में अपने कैरियर से संतुष्ट रहेंगे। मनी एंड फाइनेंस रिलेटेड मामलों में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि आप इसे मध्यम दशा मान सकते हैं। व्यय भाव में राहु और सूर्य दोनों ग्रहों का प्रभाव है। इस दशा के प्रभाव से अनावश्यक खर्चे होंगे। आपके खर्चों से आपको असंतोष होगा। 12वां भाव विलासिता का भाव ही माना गया है, इसलिए कुछ खर्चे आपके शौक पर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना मिश्रित बीतेगा। मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो आपके जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध बताती है। मामूली तनाव की स्थिति भी बनी रह सकती है। परिवार के भाव दूसरे भाव पर शनि देख रहा है। शनि की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक संबंधों में कुछ कमी भी आ सकती है। पारिवारिक संतुलन बिगड़ भी सकता है और घर में कुछ उदासी का माहौल भी बना रह सकता है। मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में पारिवारिक रूप से कुछ दूरी का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी कार्यवश आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा दिखाई देता है। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए संतान पक्ष से संबंध अच्छे बने रहेंगे। संतानों की उन्नति होगी, उनके विकास के नए नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। इस माह में मिथुन राशि के जातक सभी प्रकार की उन्नति के लिए देवी कवच का पाठ करें। चलिए अब बात कर लेते हैं जून 2021 में पड़ने वाले प्रमुख तीज त्योहारों की। सबसे पहले 6 जून 2021 दिन रविवार को अपरा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। फिर 10 जून 2021 दिन गुरुवार को वट सावित्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 जून 2021 दिन रविवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 21 जून 2021 दिन सोमवार को
निर्जला एकादशी उपवास रखा जाएगा और अंत में 24 जून 2021 दिन गुरुवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। यदि आप इन 30 त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप hindi.astroyogi.com पर विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जून महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। पहले बात करते हैं विवाह मुहूर्त की, जिसकी तारीख है 3, 4, 5, 16, 19, 20, 22, 23 और 24 जून। गृह प्रवेश मुहूर्त की शुभ तारीख 4, 5, 19 और 26 जून है। इसके अलावा नया वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 2, 13, 20, 21, 27 और 28 जून की तारीख शुभ मानी गई है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की, तो 2 जून 2021 को मंगल कर्क राशि में गोचर करेगा, वहीं 3 जून 2021 को बुध वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेगा। इसके बाद 15 जून 2021 को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा और 22 जून 2021 को शुक्र मिथुन से निकलकर कर्क में प्रवेश करेगा। वहीं मंगल और शुक्र का कर्क में एक साथ युति करना मिथुन, कन्या आदि इन राशियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि तुला, मकर, कुंभ इन राशियों को बचकर रहने की जरूरत भी होगी। साथ ही साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून दिन गुरुवार को लगने वाला है। इस ग्रहण की अवधि दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक रहेगी। इसका दृश्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया के आंशिक व उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में पूर्ण रूप से रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होगा। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोयोगी एस्ट्रोलॉजर ऐप डाउनलोड करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें वीडियो संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं। एस्ट्रोयोगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।